दे सकता, क्या उसके काम को रोक देगा? नहीं रोक सकता। हमने ऐसी यूनिटें खड़ी करनी है चाहे हमारे सारे देश में ना हो, अगर हम 20 गांवों में भी ऐसी यूनिट खड़ी कर पाए 20-20 लोगों की, जो गांव वालों की जो दैनिक समस्याएं हैं उनका समाधान सरकार से पहले और प्रशासनिक अधिकारियों से पहले बिना किसी भ्रष्टाचार के करवा दे। वो तो 20 आदमी है, शुरुआत में हम उनका साथ देंगे, हमने खुद भी जाना पड़ोते हम उनका आगे होगी जावागे अधिकारियों, जब थोड़े दिन की ट्रेनिंग उनकी हो जाएगी तो वो अपने आप काम करवाना सीख जाओगे। और जब भी किसी भी इंसान में कोई भी किसी भी किस्म की ताकत आदमी अपना जिंदा हो ना, आदमी जब कोई भी आदमी जिंदा, मैं बड़ी बात कर रहा हूं जिंदा, हूं तो आप लोग सारे जिंदे हो और भी बहुत सारे जिंदे हैं, लेकिन वास्तव में वो जिंदे नहीं, वो मरे हुए हैं, मौत के हुए, मौत के हुए, डर डर सबसे पहली मौत है आदमी की, भय गुलामी दूसरी मौत है। जब उस डर से उस गुलामी से बाहर कोई व्यक्ति लग रहे हैं, जब उसने मुंह मेरा लग गया है कि 20 आदमियां का जान था बिजली बोर्ड का इसलिए उन्होंने काम कर दिया, उन 20 आदमियां ने जिनके कण का काम कराया उनने उसका टेस्ट का मेरा पता है स्वाद का, और धार्मिक नहीं ताकत। जब किसी आदमी ने स्वाद का मेरा पट गया, इस टेस्ट का मेरा पट गया, वो फिर किसी भी सूरत में दुनिया की उसमें कोई ताकत रोक नहीं सकती। ग्राम में रुपए जो कर आप लोग को मेरे ऊपर याद आया चाहता है कोई रुक रहे सारे जाते कुछ को नहीं आ रहे होंगे, तो ये बहाने बना के मैं भी कुछ बहाना बना के हम दो दिन रहते। और आज से नहीं पिछले 15 साल तक नहीं रुक रहा, मैं पढ़ा लिखा था LLB हूं, सारी चीज है व्यवस्था है सारी चीज घर है परिवार है, लेकिन पिछले 15 साल तक कुछ मन समाज की कसर कुछ मन मेरी कसर नहीं है, मैंने इस चीज का बेड़ा पट गया इस दिन कह देगा ना, मैंने इस बात का बेड़ा पट गया अगर मैंने कोई पकड़ लेगा तू आना मैं थाने में भेज लेंगे, अगर आपके 12:30 बजे जेल के दरवाजे खुलवा दूंगा, मैंने इस चीज का बेड़ा पट गया सुशील भाई ने अगर कितने टोल भेज लेंगे टोल ने बंद कर देंगे, 3 दिन की टोल में कौन चालन दिया, 1,00,000 रुपये पर्ची गौशाला में कटवा देंगे और फिर हाथ जोड़ की माफी मंगवा देंगे। मैंने इस चीज का बेड़ा लग गया अगर सामाजिक काम में काम करते हुए मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए सरकार का नशा में लग देगी सारे मुकदमे वापिस करवा देंगे। मैंने इस चीज का बेड़ा पट गया दिल्ली में बैठक है दोनों संसदों के अंदर कानून वापिस करवा देंगे। जब मैंने इतनी ताकत बेरा जो मेरे अंदर इतनी ताकत का एहसास हो गया मैं कुक रुकूंगा लग रहा रुक जाऊंगा, मैं अपने आप में वो तो अंग्रेजी शब्द है अंग्रेजी लाइट साहब, मैं भीतर भीतर अपने आप में लाइट साहब हूं, लाइट साहब जो मैं जिंदा हूं, मैं गर्व के साथ कहता हूं मैं जिंदा हूं, जहां भी किसी से टकरा ना हो मैं 1 मिनट में टकरा दूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें सारी चीजें उन्हें सारी सीढ़ियां पार कर ली, और हम ये चाहते हैं कि ये सारी सीढ़ियां इस देश के हजारों लाखों लोग पार करें। जब वो सपने जो आप लोगों ने देखे जब वो उद्देश्य जनता सरकार मोर्चे के जो है वह पूर्ण होंगे, उनको दुनिया की कोई ताकत उन उद्देश्यों को पूरा होते पूर्ण होंगे नहीं लोग, क्योंकि जिंदा लोग ही जिंदा लोग पैदा करेंगे। मरोड़े है भाई मरोड़े तो मरोड़े पैदा करेंगे भाई, अगर आप चले गए आप अपने बच्चों को संस्कार दे के जाओगे
कैसे जीना है, जीवित रहना है, जिया है तो जीव जीव आप पैदा हुए तो जिंदा रहना, मरना नहीं है। जिंदा करने के लिए, साधारण भाषा में जनता को जगाने के लिए इस जनता सरकार मोर्चे का निर्माण होया। आप लोग इसके साथ कितना चल सको, आप लोग इसके साथ कितना दौड़ सको, ये आपकी समझ आपकी कैपेसिटी के ऊपर आधारित है। यहां दवाइयां कड़वी हो सके हैं लेकिन इलाज गारंटी के साथ हो। थोड़े दिन में समस्या आवेंगी, हो सकता है छोटी मोटी कोई बात हो जाए, जैसे मेरे गांव में एक बार बिजली वाले छापा मारन पड़ी गए सुबह 7 बजे, 7 बजे से पहले दो पुलिस ने ले रहे और चमारा के कॉलोनी गरीब सा परिवार था उनके साथ चढ़े। मन में मेरे तो फोन आ गया, मैंने ग्रुप में मैसेज डाल रहा, कहता भाई कोई नाजायज तरीके से हो तो उनको बात बताया। मैंने जाके देखा उसकी छाए तो बचे ढेर उठ गए, हम इधर 3-4 जने काम करने वाले 2-3 आदमी बहुत हुए हैं, बाकी जनता अपने आप आ जाएगी देखने खातर, समझ गए। जनता अगर देखने खातर आ जाएगी ना, वह जनता भी उन 3-4 कर नहीं गिनी जाएगी, वह इतने लोग आएंगे। मुख्य बात थी उस बिजली वाला को नीचे ताना, मनोज की बाप बड़ी भी नीचे गए नीचे उतर। इस घर में बहू भी है, छोरी भी है, और किसने अधिकार दे दिया यार, मेरा मेरा पर्सनल मकान है, इसमें कोई तुम्हें चोरी में नहीं कर रहा, डकैती का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं, तो मैं सूरज की लग रहा को नहीं है, उस तो पल्ले तू आगे घर मेरी छत के ऊपर चढ़ गया, इतनी बड़ी गलती करे मैं तेरी तो नौकरी भी जा गई। इतना मैं इतना घोषणा दे दिए जो पीड़ित पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी तो सारे ही वर्ग हैं, मैं उछले उनका वाज पड़े उनका उस की तरफ, मारांगे ले लो ले लो ले लो, मैंने उनको इतना तो सुना मारा 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 पिट्टी नहीं करनी, डराए मतलब मारा पिट्टी जरूरी नहीं होती, थोड़े वो तो धक्के धक्के मार के उनको नू लगना चाहिए भाई, मतलब मारे हैं काम ना से, समझे ना आप, लड़ाई क्यों है, मार दिया तो यार डरे खत्म हो गया, जब गुरखी गालन पे आए काटन पे दांत मिशन पे काम चलता हो मारा पिट्टी क्यों। फिर मैं उनको माचो पाल में ले चालू, क्योंकि थोड़ी बहुत समझ कानून की हमने भी है, अगर किसी मकान में बना हुआ है तो बंद कराने तो उन्होंने कहने हम बंद ही बना लिए, और सार्वजनिक जगह पर कोई किसी को बंदी नहीं बना सकता, बंदी का केस नहीं हो सकता किसी के ऊपर, तो पाल में ले गया गेला गेला और भी आगे लोग देखने कम से कम 300-400 आदमी आए, जितने मानस आवाना बाकी उनमें से 20 आदमी मेरे काम के थे, बाकी सारे तमस्सा देखने थे। लेकिन बिजली आया ने मुबाको था मानस तो 500 लिए, गेला पुलिस ने मुबाको था मानस तो 500 लिए, दो पुलिस कर्मचारी थे, SHO आया, DSP आया, SDM से बात हुई, SP से बात हुई, ब्लैक होल टू मैं छोटा मोनी जे मैं फोज ला रही थी गांव को सुपर सर DCP मैंने कही आसी की SP है आज विवाह है और दलाल से केस है, वो राजस्थान का मुख्यमंत्री उसकी गोपन है, मैंने उसको ये कह दिया फोन पर से फोज ने बुला ले आर्मी ने बुला ले, जय मेरे गांव में न्याय नहीं होया ना जान खोल दू, और आपको विश्वास दिलाई कर तू अगर आर्मी भी लग जाने ना तो भी वो जान नहीं बनता। विदेश का तो गांव नहीं डरा था, और जब मेरे खतर है मैं अभी छोटे है 20-30 मरसा कहते हैं, जब हरियाणा सरकार ने आर्मी बुलानी पड़ गया फिर दुनिया में करोड़ा होता हमारा, समझ लेना मेरी बातचीत करने का तरीका है। मेरे गांव का कोई व्यक्ति नहीं बोला, SDO का
फोन था डिलीवरी करके ना मैं बात करूंगा। हाँ भाई मां मैं बोलिया उसने, वो आगे तो बोलिया कुकर बोल रहे मां के बात कुकर बोलूं मां बड़ा साहब लग गया मां ये साहब सुबुआ ने बोल जाओ जनता भाई वे तम नमस्ते करो हमने साहब तो हम आया तारे मैं उनको फोन में बताया साथियों लिखत में समझौता होया उनने एसपी ने रिक्वेस्ट करती एसडीएम विकास यादव है नानून का उसने रिक्वेस्ट करती बड़े भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे की हाथ जोड़ है छोड़ दिया था। और वो दिन हर आज का दिन है कोई भी कर्मचारी बल्कि अब तो उन्होंने ये करवा दिया सरपंच को सरपंच से भाई साहब चिट्ठी लगवा दी है जो आप गांव में उस पर काम करने की बात है सरपंच मेरा मेरी जोड़ी बनिया है सारे विभाग में चिट्ठी लगवा दी है पुलिस भी मेरे कहे के बगैर नहीं आओगी सरपंच के इन्फॉर्मिंग के बगैर गिरफ्तारी नहीं करेगी काम मत बिजली कर्मचारी भी नहीं आओगा कोई बैंक अधिकारी भी नहीं आओगा पंचायत को पहले इन्फॉर्म होगी उसके बाद गांव में कोई बढ़ेगा आज तक बिजली आए नहीं हम ये छोटी छोटी बात मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं मेरी तारीफ करूंगा देता हूं मान जाओ ये बात क्या आपकी बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीज हमने अपने गांव वालों को अपनी जनता को सिखानी क्या बिल्कुल बिल्कुल सरपंच अगर जागरूक है सरपंच अगर जागरूक है सरपंच के बगैर कोई भी सरकारी कर्मचारी बिजली वाला छापा नहीं मार सकता पुलिस वाला गिरफ्तारी नहीं कर सकता सरपंच गांव को बेईमान और फेर के रखता है वो तो अलग बात है ना मैं जो बात बता रहा हूं दूसरी एक छोटी ही बात मैं एक दिन ही सहारता हूं ना बस में सरकारी बस में टिकट ले रहा था 45 रुपये मांगे 800 पैसा एक पड़े नया बाल पकड़ लिया फले मारे ने इसकी उम्र का हुआ इसको थोड़ा बड़ा हुआ था 8-10 आदमी थे वो फले वाले उन पकड़िया उन मारा तो गल कट गया थोड़े फोन खोज लिया पहले सब तक पहले उसका फोन खोसिया फोन खोज के उसके जूते कटवा लिए जूते काट छोड़ छोड़ जूते कटवाने के बाद मैं अगली सीट पर बैठा था बोले कपड़े उतार मैं वो अगली सीट पर बैठा बैठा बोला रहा हाँ भाई छोड़ दो इसने बात से कोई बात नहीं 100 रुपये मैं दे दूंगा वो 8-10 फलाए नाले थे वो 8-10 एकदम पायर की बोले इसने तारो नीचे कौन सा आयो कौन है बोले तुम मैं उन तो ऊंची आसान उन तो ऊंचा बोल रहा मां मैं तारा मालिक हाँ सीधी बात है जम्मा सही स्पष्ट बात बताऊ मां मैं मालिक हूं मेरी जे मैं 45 रुपये टिकट है ना इसलिए तारे बच्चे पालना है आराम करो तारी नौकरी जाओगी इस बालक की बेइज्जती ला रहे हैं पुरुषा कानून तहन अधिकार देव है अब किसी बालक के साथ आप मारपीट कर दो कपड़े उतरवा दो ये खुद खुशी कर गया सारे घर का समेत बितर नहीं पाओगे तारा केवल कितना काम है फलैमारा कितना काम है बच्चा आएगा पकड़ लिया बैठ लिया मापेलिया तो इन्हें चाह पाने की पूछो भाई खाली पेट तो नीचा लिया है मजाक की बात नहीं है उस बालक तो नहीं पूछेंगे कि हो सके बालक खाली पेट हो बैग भी हुआ है कि ना कोई उसके शारीरिक समस्या ना हो जाए किसकी जिम्मेवारी बनेगी फलैंगा की बनेगी भले तो उसमें चाह पानी पियाओ कुछ करो उसको समझाओ बेटा बहाना देखी चल जाकर पास बनवा लिया